गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक कोरोजन सो बिफोर डिस्कसिंग लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन फ्रॉम आर डेली लाइफ दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल आपने बहुत टाइम्स देखा होगा कि जो भी कोई चीज़ जो आयरन से बनी है आयरन के जितने भी आर्टिकल्स हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे टर्न रेडिश ब्राउन इन कलर और सिंपली वी कैन से दे टर्न ब्राउन इन कलर और कब होते हैं जब हम उनको ओपन एटमोसफेयर में रखते हैं या फिर हम पानी में डिप करके रखते हैं है ना मॉइस्चर में रखते हैं तो ये जो है कि जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है ओके दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल अनदर वन इज आपके पास सिल्वर की कोई भी चीज़ है चाहे वो आपके पास कोई कॉइन है या आप सिल्वर की कोई चेन पहनते हो या कुछ भी है आप देखते हो कि एक टाइम के बाद वो ब्लैक इन कलर होना स्टार्ट हो जाती है एक ब्लैक लेयर अपेयर होना स्टार्ट हो जाती है सो वाई दिस इज सो थर्ड एग्जाम्पल वी कैन हैव कॉपर कॉपर के जितने भी आर्टिकल्स हैं अगर आपने देखा होगा कहीं घर पे या कोई पुरानी कॉपर की चीज़ पड़ी होगी तांबे के बर्तन होंगे तो वो विद टाइम एक ग्रीन सी लेयर उनके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है ठीक है वो ग्रीन कलर के होना स्टार्ट हो जाते हैं सो वाई सो सो ये हमारी डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने क्रोजन की उठाई हैं अब यहाँ पे बात ये है कि हर कोई अपना कलर अलग वे में चेंज कर रहा है कोई ब्राउन इन कलर हो रहा है कोई आपका ब्लैक इन कलर जा रहा है और कोई यहाँ पे ग्रीन कलर शो कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स ली हैं आयरन कॉपर सिल्वर ऑल ऑफ दीज आर मेटल्स एंड मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर तो जब आपको पता है मेटल्स जो हैं वो बहुत शाइनी होती हैं अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि आयरन कोरोजन से पहले काफ़ी शाइनी है है ना तो मेटल्स जो हैं वो लस्टर शो करती हैं काफ़ी शाइनी होती हैं एंड दे आर हाईली रिएक्टिव टू लेकिन जब हम उनको ओपन एटमोसफेयर में रखते हैं तो क्या होता है कि वो एयर के कांटेक्ट में आती हैं एयर में बहुत सारी गैसेस हैं ऑक्सीजन है, है नाइट्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है कुछ आपके पास नोबल गैसेस हैं तो ये जो सारी गैसेस हैं ये जब मेटल के कांटेक्ट में आती हैं तो मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो इनके साथ रिएक्ट कर जाए अंडर सर्टेन कंडीशंस प्लस एयर में मॉइस्चर होता है वाटर होता है जो मेटल है आपकी वो उसके साथ भी रिएक्ट कर सकती है तो इनकी आपस में मेटल की एयर के साथ या फिर मॉइस्चर के साथ या फिर कोई अगर हम उस पर कोई केमिकल फेंक देते हैं कोई एसिड या कुछ भी ऐसा फेंक देते हैं तब भी जो है वो आ, आपको ये चेंज देखने को मिलता है ठीक है सो दैट मीन्स वेन एवर ए मेटल कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर और एनी कोरोसिव मटीरियल तब क्या होगा आपके पास कि जो मेटल है वो अपना जो उसका नेचर है वो चेंज कर देती है उसका कलर चेंज हो रहा है और कलर क्यों चेंज हो रहा है इसका मतलब मेटल ने रिएक्शन करने के बाद कोई ऐसा कंपाउंड बना लिया है जो उसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया और उसी का कलर जो है अब मेटल शो कर रही है ठीक है तो ये जो आपके पास फिनोमिनन है दिस इज नोन एज कोरोजन सो हेयर वी कैन हैव एन डेफिनेशन कोरोजन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच वेन अ मेटल कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इट गेट्स डिटीरियोरेटेड और इट गेट्स डैमेज मेटल अगर मॉइस्चर या एयर के कॉन्टेक्ट में आने पर डैमेज हो जाए दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन ओके और मेटल्स जो हैं वो क्या करती हैं एयर में जो भी गैसेज प्रेजेंट हैं या फिर मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करके अपना कोई ना कोई स्टेबल कंपाउंड बना लेती हैं और उसी कंपाउंड का कलर आपको देखने को मिलता है ठीक है सो मेटल अपना कोई भी कंपाउंड बना सकती है ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है ठीक है सो ये सारे जो हमने एग्जाम्पल्स देखी जितने भी फिनोमिन दीज ऑल आर ऑफ क्रोजन राइट तो अब हम बात करते हैं कि कलर अलग अलग क्यों है अब ये जो बात है ना आयरन की आयरन क्या करता है आयरन अपना ऑक्साइड फॉर्म करता है ठीक है आयरन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन क्या करता है अपना ऑक्साइड बना लेता है तो आयरन का जो ऑक्साइड है वो रेडिश ब्राउन इन कलर होता है दैट्स वाई इसका कलर ये आ रहा है आपके पास क्लियर रही बात सिल्वर की तो सिल्वर जब आपका एयर uh, के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके अपना सल्फाइड बना लेता है इट इज़ सिल्वर सल्फाइड मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई लेकिन मैं बता रही हूँ आप साथ साथ में कॉपी पे नोट कर लेना सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाएगा ठीक है और सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक इन कलर होता है दैट्स वाई आपको एक ब्लैक लेयर देखने को मिलता है कॉपर के केस में कॉपर रिएक्ट करता है विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर जिसकी वजह से कॉपर बनाता है कॉपर कार्बोनेट इट इज एक्चुअली बेसिक कॉपर कार्बोनेट तो इसकी वजह से ये जो ग्रीन कलर है वो अपेयर होता है दैट मीन्स हर मेटल की अपनी एक अलग टेंडेंसी है कि वो किस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा और किसके साथ स्टेबल कंपाउंड बना सकता है तो इसी वजह से हर मेटल हर डिफरेंट किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके अपना कोई स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं और उसी का कलर मेटल के सरफेस पे जो है अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कोरोजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ठीक है तो एक चीज़ बता दूँ कि कोरोजन सारी मेटल्स के लिए एक फिनोमिनन है लेकिन अगर आप कहते हो कि आयरन की कोरोजन हो रही है आयरन की कोरोजन को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है दैट इज़ रस्टिंग सर आई हैव मैंशनड इट व्हाट इज़ रस्टिंग द कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग रस्टिंग में रस्टिंग हम सिर्फ उसको बोलेंगे जब आयरन को रोड होगा ठीक है और रस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत मेजर इशू है दिस टाइम पे क्योंकि जितने भी हमारे पास आयरन के आर्टिकल्स हैं चाहे वो ब्रिजेस हैं या फिर कार्स हैं या कोई भी बॉडीज़ हैं ठीक है थीके? तो वो विद टाइम डैमेज हो जाती हैं और उनके डैमेज को कवरअप करने के लिए बहुत जो है एक्सपेंडिचर्स आते हैं बहुत पैसा खर्च होता है एवरी ईयर गवर्नमेंट का तो ये है कि क्रोज़न एक मेजर इशू है हमारे लिए राइट right? तो अब यहाँ पे एक मैंने एक्टिविटी का पिक्चर लिया है यहाँ पे आप देखोगे कि क्रोज़न के लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं तो फर्स्ट केस में आप देखो कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें वाटर लिया गया और आपने क्या किया उसमें आयरन नेल्स को डिप करा ठीक है और साथ में एयर भी है उसके कॉन्टेक्ट में तो आप देख रहे हो कि जो आयरन की नेल्स हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई हैं क्रोज़न हो रहा है आफ्टर सम टाइम जब आप देखोगे इसको ऑब्जर्व करोगे सो दैट मीन्स इन फर्स्ट केस क्रोज़न टेक्स प्लेस अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की सेकेंड में क्या करा गया कि जो आपकी आयरन नेल्स हैं उनको वाटर में डिप किया और उसके बाद में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया अब ऑयल की एक लेयर बन गई उसके बाद में जो एयर है अब वो आयरन के मोलिक्यूल्स आयरन की जो नेल्स हैं उसके कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं तो दैट मींस यहाँ पे जो आपकी आयरन नेल्स हैं सेकंड में वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में है एयर के कांटेक्ट में है ही नहीं है ठीक है लेकिन और आप देख रहे हो कि उसकी क्रोजन नहीं हो रही है रेस्टिंग नहीं हो रही है और थर्ड केस में क्या किया गया थर्ड केस में हमने टेस्ट ट्यूब लिया उसमें पहले हमने कुछ ये देखा नीचे कुछ सॉल्ट ऐड किया हुआ है दिस इज़ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस मीन्स कम्प्लीटली ड्राई और इन सॉल्ट को हम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ करते हैं ये मॉइस्चर को कैप्चर कर लेते हैं तो जैसे ही हमने इसको रखा तो जितना भी एयर में मॉइस्चर था इसने सारा एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका मतलब अब जो एयर है वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री है और उसमें हमने आयरन एल को डिप कर दिया तो सेकेंड सिचुएशन में आयरन नेल्स सिर्फ और सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में हैं थर्ड सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एयर के कॉन्टेक्ट में हैं और फर्स्ट में दोनों के कॉन्टेक्ट में तो कोरोजन किस में हो रहा है फर्स्ट वाले के केस में सो दैट मीन्स आपके पास यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं रस्टिंग के लिए क्लियर और अगर हम इन केस कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे कोई सॉल्ट वगैरह डाल देते हैं वाटर में तो रस्टिंग जो है वो और भी फास्ट हो जाता है डन एंड देन एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो एल्यूमिनियम है वो क्रोजन उसकी क्यों नहीं होती है एल्यूमिनियम इतना जो है क्रोड नहीं करता है वाई सो सो रीज़न आपके पास ये है कि एल्यूमिनियम भी मेटल है इट इज़ रिएक्टिव टू एंड इट इज़ हाईली रिएक्टिव जो आपके एल्यूमिनियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है अगर इतनी रिएक्टिव है तो उसकी जो आउटर लेयर है एल्यूमिनियम की वो फटाफट से ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या करेगी उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और क्या बना लेगी एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप देख सकते हो एल्यूमिनियम के बाहर एक लेयर की तरह जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया एक थिन लेयर बन गई एल्यूमिनियम कि जो आपके पास मेटल थी उसके अराउंड एक थिन लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बन गया अब ये लेयर क्या आपको हेल्प करेगी इस एक थिन लेयर की वजह से जो आपका एल्यूमिनियम है वो फर्दर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और उसकी जो कोरोजन है वो प्रिवेंट हो जाएगी दिस इज द रीजन बिहाइंड कि एल्यूमिनियम इतना कुरोड़ क्यों नहीं करता है अनदर क्वेश्चन आपने वहाँ पे करा था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में कि आप क्या करते थे कि मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले क्या करते थे सैंड पेपर के साथ अच्छी तरह साफ़ करते थे क्यों क्योंकि मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव है उसकी भी उस वो भी क्या करता है ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता था मैग्नीशियम के अराउंड और वो जो लेयर थी उसकी लेयर की वजह से मैग्नीशियम फर्दर रिएक्ट रियक, नहीं कर पाता था तो इसीलिए हम क्या करते थे सैंड पेपर के साथ उस रिएक्टिव लेयर को जो प्रोटेक्टिव लेयर थी उसको रिमूव करते थे होप इट इज़ क्लियर अब यहाँ पे मैंने रीज़न दिया हुआ है समझा मैंने सारा दिया अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम जो है वो क्यों रिएक्टिव होने के बाद भी क्रोजन नहीं करती है डन नाउ द लास्ट स्लाइड इज प्रिवेंशन ऑफ क्रोज़न अगर कोरोजन आपके लिए इतना मेजर इशू है रस्टिंग वगैरह का इतना इशू है तो इसको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है तो प्रिवेंट करने का यही तरीका है कि मेटल जो है ना उसको हम क्या करें उसको हम एयर या मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने ही ना दें तो उसकी प्रिवेंशन रुक सकती है उसकी क्रोजन रुक सकती है तो हम कैसे करेंगे हम अगर आयरन आर्टिकल्स को पेंट कर देते हैं तो पेंट करने से क्या होगा पेंट की एक लेयर उस आयरन की रोड या आयरन के आर्टिकल के ऊपर आ जाएगी जिसकी वजह से अब वो एयर या मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा और क्रोज़न जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा सेकेंड केस अगेन ऑयलिंग ऑयल लगा दो ग्रीस लगा दो कुछ भी ऐसा अगर हम लगा देते हैं देन अगेन वो कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता एटमोसफेयर के और क्रोजन नहीं होगा नेक्स्ट इज गैलवेनाइजिंग गैलवेनाइजिंग का केस क्या है आपके पास गेलवेनाइजिंग एक स्पेशल प्रोसेस है आपने याद रखना है इम्पॉर्टेंट है गैल्बेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि जो आयरन है आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर जो है वो बना देते हैं ठीक है एक जिंक लेयर जो है वो आयरन के सरफेस पे आ जाती है जिसकी वजह से जिंक अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा आयरन नहीं आ पाएगा अगर हम किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर जो है वो कोट कर देते हैं दिस फिनोमिन इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग और अगर हम जिंक की लेयर आयरन आर्टिकल्स के ऊपर लगा रहे हैं देन दिस विल बी नोन एज गैलवेनाइजेशन ओके सो ये आपके पास एक मेथड है विच इज इम्पॉर्टेंट वन नेक्स्ट इज़ क्रोम प्लेटिंग उसमें क्या करेंगे हम आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर क्रोमियम मेटल की जो लेयर है थिन लेयर है उसको कोट कर देंगे एंड दिस विल बी क्रोम प्लेटिंग एंड द लास्ट वन इज मेकिंग एलॉयज़ एलॉयज़ क्या होते हैं एलॉयज़ आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स ठीक है तो एलॉयज़ जो हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं अगर हमने कोरोजन को रोकना है तो एलॉयज़ की अलग से प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम एलॉयज़ बनाते क्यों हैं अगर मेटल्स की प्रॉपर्टीज से हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स करके एक अलग कंपाउंड बना लेते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले से काफ़ी बेटर हों एंड दीज कंपाउंड आर नोन एज एलॉयज ओके तो आ, अब यहाँ पे एलॉयज जो हैं अब जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ आप घर पे जो बर्तन हैं किसके यूज़ करते हो जितने भी पॉट यूज़ करते हो दीज आर ऑफ स्टील तो स्टील इज़ एन एलॉय अगर हम वही आयरन के डायरेक्ट आर्टिकल्स यूज़ करें तो क्रोजन वगैरह के चांसेस हैं या कुछ भी है बहुत इश्यूज आ सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं आयरन में सर्टेन अदर मेटल्स को मिक्स करके क्या करेंगे एलॉयज़ बना देंगे और एलॉयज़ फ़र्दर आपको क्या हेल्प कर रहे हैं उनकी क्रोज़न इतना ईजीली नहीं होगी और प्रॉपर्टीज़ भी इन्हांस हो जाएंगी तो ये भी एक मेथड है क्रोज़न को प्रिवेंट करने का राइट right? तो अब की आज के असाइनमेंट पे आपने क्या करना है ये जो जितनी भी मैंने एग्जांपल्स बताई हैं क्रोजन की इनकी रिएक्शन लिखनी है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दैट लेयर फॉर्म्ड ऑन एनी मेटल सिल्वर के केस में क्या बन रहा है कॉपर के केस में क्या बन रहा है एंड आयरन के केस में क्या बन रहा है सेकेंड क्वेश्चन फार्मूला ऑफ रस्ट बताना आपने थर्ड क्वेश्चन आपने एनी फाइव एग्जाम्पल्स लिखनी है अलॉयज़ की जो आप डेली लाइफ में अपने आसपास कहीं ऑब्जर्व करते हो ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रेनसीडी वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय बाय थैंक